नमस्कार पंजाब की सिटी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। दिल्ली में मासूम बच्ची के साथ हुए रेप गैंग रेप हुए मर्डर केस में न्याय दिलाने को लेकर पानीपत में लोग सड़कों पर उतरे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पानीपत जीटी रोड की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन रोष उनके अंदर आप देख सकते हैं, भारी रोष जो है लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। हम कैंडल मार्च इसलिए निकाल रहे हैं जो कि दिल्ली कैंट में जो मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप और उसका मर्डर किया गया और पुलिस उसको छुपाने की बात कर रही है। मीडिया के सामने पुलिस आ रही है, आ नहीं रही है, पुलिस मीडिया से मुंह छुपाकर जा रही है, वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गरीब लोगों पर आज जो महिलाओं पर जो अत्याचार दिन पर दिन रेप और मर्डर की जो घटनाएं हैं वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। ये ऐसा जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से ये जितने भी अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, खास करके महिलाओं पर अत्याचार, बच्चियों पर अत्याचार, तो इसको हर जगह पूरे देश के अंदर कहीं भी, जैसे हाथरस कांड हुआ, ये हाथरस दूसरा हाथरस बना दिया इन लोगों ने, क्योंकि उसमें भी पुलिस की नाकामी रही और इसमें पुलिस की नाकामी है। जो पुलिस हमारे, हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम ये मांग करते हैं कि उनके ऊपर जो जितने भी उसमें आरोपी हैं सबके ऊपर कार्रवाई हो और SC ST एक्ट वे अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई हो और सभी आरोपी गिरफ्तार हो, और जो पुलिस वालों के ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो अधिकारी उसमें आरोपियों के साथ संबलित हैं उनके ऊपर SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई हो और अन्य धाराओं के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर ये ऐसे पूरे कार्रवाई ना हुई तो दलित समाज क्या, सरल समाज, पूरे देश में ये आंदोलन चलता ही रहेगा और आंदोलन को हम तेजी देंगे। ये जब तक आंदोलन नहीं रुकेगा, जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, हर जगह ये आरोपी का पक्ष, पुलिस है जो आरोपी के साथ खड़ी होती है, आरोपी को निकालने का काम करती है, सबूत मिटाने का काम करती है। रात को उसको जलाया गया, रात को क्यों जलाया गया, सबूत को मिटाने का काम किया। जो ऐसी जो हरकत ये ऐसे कर रहे हैं, ये गरीब लोगों के साथ, गरीब बच्चियों के साथ अधिकतर हो रहा है। और ये मैं ये भी कहूँगा, ये एक जाति के तौर पर ज़्यादा हो रहा है। ये देखो, ये जितने भी कांड हो रहे हैं ये किस जाति के हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सबको ये, अगर प्रशासन अगर अपना लॉ एंड ऑर्डर अगर सही रखे, ये बलात्कार कम हो सकते हैं। एक चीज को सजा नहीं मिलती है, इसलिए बलात्कार बढ़ने का काम पुलिस प्रशासन और शासन के
जो नुमाइंदे हैं वो मिलकर करवा रहे हैं। धन्यवाद। ज्ञापन वगैरह भी दिया इसको, इसको हमने आज ज्ञापन नहीं दिया है, हमने प्रेस नोट बनाया हुआ है तो प्रेस नोट में हमने सब कुछ लिख रखा है, तो आज हमने ज्ञापन नहीं दिया है। कैंडल मार्च है, हम यहाँ से अभी बाबा साहब की प्रतिमा के पास जाएंगे, वहाँ पर हम कैंडल वहाँ दे रहे हैं। तो बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आज लोग सड़कों पर उतरे हैं। दिल्ली में मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप और उसके बाद मर्डर के आरोप ये लगा रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। शाम का वक्त है, मोमबत्तियां हाथों में लेकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार और बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। काफ़ी युवा कैंडल मार्च लेकर बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सामने आए हैं। लगातार जो है देश भर से बच्चियों के साथ दरिंदगी के मामले सामने आते रहते हैं, कहीं ना कहीं सरकार को कड़ाई की ज़रूरत है और इन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता। और जीटी रोड से होते हुए अब ये बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर ये मोमबत्तियां जलाएंगे और बच्ची के न्याय की मांग करेंगे और लगातार ये है सरकार के खिलाफ नारेबाजी ये लोग कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्ची को न्याय मिल सके और दोषियों पर कार्रवाई कर सके सरकार। लगातार जो है बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और नारेबाजी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है उन पर अत्याचार जो है वो लगातार बढ़ गए हैं, बच्चियों के साथ गैंगरेप और रेप जैसी वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। सैकड़ों की संख्या में युवा हाथों में मोमबत्तियां लेकर न्याय की गुहार लगाने के लिए पानीपत लघु सचिवालय के अंदर अब ये प्रवेश कर रहे हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर के सामने ये मोमबत्तियां जलाएंगे। अपना रोष प्रकट करते हुए आज शाम को ये कैंडल मार्च लेकर निकले हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आवाज सरकार तक पहुंच सके और जो बच्चों के साथ रेप जैसी वारदातें और मर्डर जैसी वारदातें सामने आ रही उन पर लगाम लगाया जा सके और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। Thank you.